कुश्ती में भी हिमाचल से इतनी दूर से 700 किलोमीटर दूर आपके बीच में पहलवान आ रहा है। हमारी सभ्यता यही कहती है कि जब बाहर से पहलवान आए इतनी दूर, सपोर्ट उसको बढ़ावा करना चाहिए। क्योंकि उसको मैं गांव में एरिया है, उसकी ताकत तो वैसी लगी रहती है। क्योंकि जब क्षेत्र रहता है, अगर उसे रहता है, अगर महादेव पर 1% तो उसका हौसला ऐसा ही बढ़ता है। तो इसलिए उस हौसले को बराबर करने के लिए जो बाहर से पहलवान आए उसका ज्यादा हौसला बढ़ाए, ताकि अगली बार यह जाए कि मैं हम दिल्ली में गया है, मेरे गांव के अंदर ऐसी कुश्ती कराई, कोई मतभेद कोई कुछ नहीं रहा। ये पहलवान हमारे हिंदुस्तान के अंदर 36 जाते हैं तो उसमें तो 37 जात में पहलवान आते हैं। पहलवान ये सब बराबर रहते हैं, इनकी 37वीं जात होती है, इनका सबका ये है, इनका किसी से कोई मतलब नहीं होता, सबको इनकी मेहर करनी चाहिए जब कोई भी हो। तो मैं यही कहूंगा कि हर पहलवान अपनी मेहर करे और सब कुछ भी है, हार हो जीत हो, जब दो पहलवान लड़ते हैं एक हारता है एक जीतता है, आगे भी अपनी तैयारी करे फिर ना करे। हिमाचल के अंदर सोनू पहलवान की कुश्ती वैसे नहीं होती, कभी ट्रैक्टर पे कभी फुटबॉल साइड कभी है, तो बड़ी बड़ी कुश्ती हिमाचल की जितनी भी होती है पंजाब तक सारी कुश्ती इसकी आखिरी भी होती है, जैसा बंदी सबसे कुश्ती होती है। तो ये पहलवान ये ना करे कि भाई क्या है, बच्चे बैठ जा सब, सोनू हिमाचल, मनीष आयानगर, बाबा मंगल दास अखाड़ा, गुरु रघुवर का पट्टा, आयानगर, बाबा मंगल दास अखाड़ा, गुरु रघुवर का पट्टा और सोनू पहलवान हिमाचल कुश्ती। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है, बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। आज हमारा बाबा छत्तर सिंह लगभग और गुरु सामलाल के बाद हिंदुस्तान के किसी टॉप पहलवान से कुश्ती आपके बीच में हो रही है। पहलवान जी एक मिनट, जो अभी मनीष पहलवान इससे पहले कुश्ती लड़के गए थे, हरिंदर जी का लड़का मनीष पहलवान, उसके लिए हमारे एमएलए साहब 3100 रुपए दे रहे हैं। भाई ताली बजाओ भाई एमएलए साहब के लिए, 3100 रुपए दे के हौसला बढ़ा रहे हैं बच्चे का। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब, अपने पैसे ले जाओ मनीष आकर के यहाँ से, और 1100 रुपए इस कुश्ती के लिए, ये बड़ी वाली आखिरी कुश्ती के लिए हमारे रवि चीसरा मोहल्दार जी के लड़के हैं रवि, रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि और सतीश आज सुबह से ही दोनों ने इतनी कुश्ती में सबको पैसे दिए, मैं देखता हूं। और मैं दोनों लग भी बढ़िया रहे, टोपी ओपी लगाकर फिट तक थी, बढ़िया सिस्टम में। तो भाई अगली बार से सारे टोपी ओपी बढ़िया से आ गए, जल्दी निकलेंगे, पहले उनको पैसा। भाई इस कुश्ती के लिए जो भी इस कुश्ती में बच्चा जीतेगा, दोनों बच्चे अपने हैं, हमारे मोहाली कुटम्बल जी के लड़के हैं लीलू, आयानगर में लीलू है ना भाई, परवीन लीलू कहते हैं उसे, परवीन 1100 रुपए दे रहे हैं, जो भी इस कुश्ती में जीतेगा वो 1100 रुपए हमारे पास रखे हैं, बाद में उसको दे देंगे कुश्ती का फैसला आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद लीलू भाई का। और अब कुश्ती अपने आखिरी क्रम पे पहुंच चुकी है, समाप्त होने जा रहा है दंगल थोड़ी देर बाद। मैं जितने भी हमारे यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं या बाहर से दर्शकगण आए हुए हैं, यहाँ पे जो सुबह से बैठे हुए हमारे आयानगर के दर्शकगण हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतनी शांति बना के रखी है, इतना कोऑपरेट किया है हमें। और विशेष तौर पर मैं अपने हमारे फतेहपुर जहरी थाना से, ये हमारे पुलिस के साथी हैं, इन्होंने दोपहर से ही हमारे यहाँ डटे हुए हैं और हमारी व्यवस्था बनाने में हमारा बहुत बहुत योगदान कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने पुलिस वाले साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चारों भाइयों का, चार लोग हैं मेरे ख्याल में सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका भी और सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कुश्ती के देखने के बाद सभी अपना शांति से अपने घर जाएंगे और अगले आने वाले दंगल के लिए और ज्यादा उत्साह के साथ कुश्ती देखने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव की तरफ से, हमारे पूरे सरदार की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, सभी अतिथि गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
चले चल ताली बजाते रहो बच्चों, ताली बजाते रहो, हूटिंग मत करना, ताली बजाओ, नाम से मत करो, नाम मत लेना बच्चों, ताली बजाओ। बाकी पहलवान सोनू पहलवान, ये तो आपका भाग्य है कि हिमाचल से चल के इसमें कुश्ती के लिए हां भर ली, बहुत बड़ी बात है। अब हिमाचल एक ऐसा हुआ है, देवभूमि है हमारी, और देवभूमि से तुम्हारे यहाँ पहलवान आए, तुम्हारा भाग है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि हिमाचल में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जंगल महाराज के यहाँ, हो सके तो कोच को एक रहने दो, बाकी सारे नीचे बैठ जाओ। जेपी ले भाई कपड़ो संभाल, हिसाब किताब भूल गए, सब काहे पत्र पेश कर जाएगी। जेपी नेता जी भी है, खिलाड़ी भी है, बुलाना बहुत बढ़िया, फिर से काफी मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। बहुत बड़ी कुश्ती हो रही है, ये ऐसी कुश्तियों का आयोजन अगर स्टेडियम में हो तो वो टिकट लगा करके करते हैं, और हमारे यहाँ देहात में अभी चाहे कोई कितना भी खेल लोकप्रिय हो रहा हो, कुश्ती और कबड्डी की ही पब्लिक के अंदर डिमांड ज़्यादा रहती है और लोग इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। पर सभी लोग दोपहर से यहाँ डटे हुए हैं और बहुत ही अच्छा कुश्तियों का आनंद ले रहे हैं। पहलवान जी टाइम भी बताते रहना, 8 हो गए। ताकि इन पहलवानों को पता लगता रहे भाई हमारे पास इतना समय बचा है। 12 मिनट अभी शेष है, 8 मिनट हो चुका है। मिट्टी लगा दो, दूसरे पहलवान का भी लगा दो। पहलवान जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। पहलवानों को
चलते रहो भाई रेफरी। दस हो गए, साढ़े ग्यारह ही हो गए, दस दस मिनट है। इस कुश्ती की जो रेपरशिप कर रहे हैं हमारे विजेंद्र पहलवान भाई घिटौरनी से, बहुत बड़े पहलवान रहे हैं अपने समय में, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे अखाड़े में भी आते हैं तो बच्चों के साथ अभ्यास करवाते हैं। वीरेंद्र भाई का बहुत बड़ा योगदान है मनीष को पहलवान बनाने में भी। इतना बड़ा पहलवान है, पहलवान बनाना कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा ऋषि पहलवान का भी, जो मनीष के साथ कई सालों से लगातार कभी पंजाब कहीं महाराष्ट्र कहीं ना कहीं जाकर के उसके साथ अपना पूरा समय दे रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं उसके खाने पीने का भी। इस लेवल पे पहलवान को ले जाना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे घर का सहयोग होता है तब जाकर के इतना बड़ा पहलवान बनता है। भाई उंगली मत तोड़ो आपस में, बिल्कुल सेफ एकदम। ये सारा रोज का काम है पहलवानों को, आपस में कुश्ती की भावना से। जेपी कितना टाइम बचा है? 8 मिनट इस कुश्ती का समय, 7 मिनट बाकी। भाई ताली बजाओ दोनों पहलवान, 7 मिनट बच रहे हैं। करो अपना का जो भी करना है, पब्लिक फैसले का इंतजार कर रही है। Thank you.